It was such a hectic day at court. Anyways, I came back, and uh, you know, in the past few days, a few of my juniors have been asking me to enlighten them about what AIBE is and to, you know, guide them through it. So I thought, why not make a video which would be beneficial to a lot of people? सो so यस yes. तो पहला ए आई बी है क्या ए आई बी अभी सिक्सटीन इसका वर्जन आने वाला है तो ये आपका है ऑल इंडिया बार एग्जाम तो बेसिकली जब आप लॉ एल एल बी अपनी करते हैं तो आप अपनी सारी मार्कशीट्स जमा करके एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने जिस भी स्टेट पे आपको कराना है इन हिंदी स्टेट बार काउंसिल उसके बाद आप एक ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है ताकि आप ये बैंड पहन के इस कंट्री में किसी भी कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर सके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सके तो ये आपके लिए इसीलिए आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम नाउ द गाइडलाइंस ऑफ दिस एग्जाम आर देर आर हंड्रेड क्वेश्चन जिसके लिए इन्होंने आपको नाइनटीन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से आपके डिवाइड डिवाइड करके दिए हैं वही आपके क्वेश्चंस उन्ही सब्जेक्ट से उसी हिसाब से आते हैं ऑल्सो इट इज एन ओपन बुक एग्जाम आप अपने बेयर एक्ट ले जा सकते हैं तो बेयर एक्ट ले जाके क्या है आपको जैसे कैटेगोरिकली पूछा जाएगा अच्छा रेप हैज बीन डिफाइंड अंडर विथ सेक्शन टू थ्री सेवेंटी सिक्स आप अपना आईपीसी खोलिए देखिए एंड यू कैन टेक इट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर सो सिंपल दैट यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग इट आपको बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है बट अलॉन्ग विथ दैट द ट्रिकी पार्ट्स कुछ केस लॉज आते हैं जो आपको हम कहते हैं लीडिंग जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स जो होते हैं कुछ-कुछ वो आपके आ सकते हैं रिगार्डिंग वेरियस सब्जेक्ट्स तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत है सो यू नीड टू गो अराउंड एंड यू नो चेक फॉर दी लीडिंग केसेस स्पेशली ऑफ दी सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी फैमिली लॉ जो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑल्सो अब इस एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यू जस्ट हैव टू स्कोर फोर्टी मार्क्स आपको फोर्टी क्वेश्चन राइट करना है कैसे भी करके एंड यू पास द एग्जाम सो प्रिट इज सिंपल सो ऐसे आपको कोई यू नो पैनिक करने की जरूरत नहीं होती बिफोर द एग्जाम जस्ट रिलैक्स अपने बेर एक्ट अरेंज कीजिए पुट देम इन अ बैग एंड आराम से उसे लेके जाइए एंड वट एवोर क्वेश्चन यू रीड उसको आराम से रीड करिए जो स्पेसिफिकली पूछा है वो बेर एक्ट में ढूंढ के जस्ट मार्केट फॉर दी लीडिंग केस लॉज मैंने आपको बोला आपके पास बुक्स आती हैं यूनिवर्सल की काफ़ी बुक्स हैं इवन आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं पी डी एफ सो यू कैन गो थ्रू दैम सो ऑल द बेस्ट आई होप वी हैव a lot of people and most of you would clear all i all india bar exam so all the best